हिमाचल प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बन गई है। ऐसे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीते रोज कई बड़े फैसले लिए हैं, जिसके बाद भाजपा ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी जारी की है और कहा है कि जयराम ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस द्वारा बीजेपी सरकार द्वारा लिए गए फैसलों को पलटा जा रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि जब 2017 में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी थी तो उन्होंने कांग्रेस के द्वारा शुरू किए गए विकास कार्यों पर रोक नहीं लगाई थी, लेकिन कांग्रेस ने सत्ता में आते ही भाजपा के द्वारा जो विकास कार्य और नियुक्तियां हैं उन पर रोक लगा दी है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हम पहले दिन से ही हिमाचल प्रदेश में रिवाज बदले के साथ शुरुआत किए हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की पहली कैबिनेट में जो निर्णय लिए जाते थे सरकार बदलने के बाद, वो निर्णय ये लिए जाते थे पूर्व सरकार के इन योजनाओं को रद्द किया जाता है, इन योजनाओं को बंद कर दिया जाता है, ये किया जाता था। पूर्व सरकार के नेताओं के ऊपर मामले दर्ज करने की बात होती थी। हमने कहा हम नहीं करेंगे, ये देवभूमि हिमाचल है और देवभूमि हिमाचल प्रदेश में हमारी संस्कृति आगे बढ़ने की होनी चाहिए, सबको साथ लेकर के चलने की होनी चाहिए, बदले की भावना के साथ काम करने की नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमने कहा कि कोई बदले की भावना से हम काम नहीं करेंगे, हम किसी योजना को रद्द नहीं करेंगे।